हेलो और वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे गुलाब जामुन स्पॉन्ज, जो खाने में तो टेस्टी होगा, साथ ही साथ में स्पॉन्जी भी बनेगा। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 1/4 कप मैदा, 1/4 कप हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर लेना है, कोई भी ब्रांड का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, एंड 1 1/4 टीस्पून आपको यहाँ पे बेकिंग पाउडर लेना होगा, एंड 1/4 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा को भी हमने साथ ही में छान लिया है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक तरफ रख देंगे। अब दूसरे बाउल में हमें यहाँ पे लेना है 1/2 कप + 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर। इसी में हम ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम क्रीमी सा कंबाइन हो जाना चाहिए ये। इस तरीके से हमें मिक्स करना है। यहाँ पे एकदम क्रीमी सा इसे टेक्सचर आना चाहिए। तब तक आपको यहाँ पे मतलब जब तक के थोड़ा सा शुगर जो है वो यहाँ पे डिजोल्व ना हो जाए तब तक। फिर इसी में हमें मिल्क ऐड करना है। मिल्क हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3/4 कप। 3/4 कप पहले मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कीजिएगा, मिक्स करते जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब मेल्टेड घी, जो नॉर्मल अपना क्लेरिफाइड घी होता है उसे ऐड किया है। आप यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हो। मैंने घी ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। फिर से मिक्स करेंगे और इसी के अंदर आप चाहे तो कलर ऐड कर सकते हो, येल्लो कलर, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। मैंने फ्यू ड्रॉप्स ही कलर के ऐड किए हैं। मिक्स करना है, कार्डेमम पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब, उसे भी अच्छे से मिक्स करना है। और फिर से जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने एक तरफ रखे थे उसे फिर से हम सीव करेंगे सेम बाउल में। हमें यहाँ पे बैचेस में इसे सीव करना है। बीच बीच में आप चाहे तो इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करने के बाद इसे कट एंड फोल्ड मेथड के साथ आपको हल्के हाथों से मिक्स करना है। मैंने जैसे बताया था बैचेस में हम इसे ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। ये दूसरी बार मैंने सेकंड बैच को इसमें सीव किया है। अब आप यहाँ पे कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करके एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे, लम्स फ्री बैटर बनाएंगे। 3/4 कप मिल्क मैंने पहले ऐड कर दिया था, अगर ज़रूरत पड़े तो हम फिर से ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा मिल्क का ज़रूरत पड़ा होगा। और फिर आपको इसे अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से लम्स फ्री बैटर जैसे बताया था वैसे बनाना है। और फिर हमें लास्ट में बैटर बनने के बाद इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड करना होता है। मीनवाइल आपको बटर पेपर के साथ टिन को रेडी करना होगा। बटर पेपर आपको मतलब रखना ही होगा, या फिर आप डस्ट कर सकते हो, बट उसमें स्टिक होने का चांसेस रहता है। फिर लास्ट में जैसे बताया था विनेगर ऐड करके 1 डायरेक्शन में आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, टिन में पोर करना है। 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने OTG को गर्म होने के लिए 10 मिनट के लिए रखा था। फिर आपको इसमें 45 मिनट्स या फिर उससे कम ज़्यादा लग सकता है इस स्पॉन्ज को बेक होने के लिए रखना होगा। ये स्पॉन्ज बहुत ही डिलीशियस बनता है। किसी भी फंक्शन में आप रक्षाबंधन या फिर आने वाले त्योहारों में इसे बना सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज है केक इन द बॉक्स, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो इसी तरीके की रेसिपी के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टिन में बैटर को पोर करने के बाद बेक करने के लिए रख दिया था, बट उसके पहले हमें यहाँ पे गुलाब जामुन के पीसेस को ऐड करना है। थोड़ा सा बैटर पहले टिन में ऐड किया था, फिर हमें पीसेस को असेंबल करना है। आप जैसे चाहे आप वैसे यहाँ पे गुलाब जामुन के पीसेस ऐड कर सकते हो। मैंने हाफ करके ऐड किए हैं, 6 पीसेस थे गुलाब जामुन के, इन टोटल 12 बने कट करने के बाद। ऊपर से बैटर को पोर करना है, टिन को आपको टैप करना है और फिर इसे बेक करने के लिए रख देना है। पहले ही मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है आपको, 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है, 45 मिनट्स के लिए बेक करना है। ऊपर से कुछ नट्स ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पे स्पॉन्ज बनके तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूरत है आपके प्यार की और मेरे चैनल को भी। थैंक यू सो मच।